कल रात क्या राजकुमार बाबू अपने कमरे में थे जी थे रात पौने नौ बजे मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें डिनर दिया था अच्छा राजकुमार बाबू कल रात मेन गेट कितने बजे बंद हुआ था आ, आप ग्यारह बजे आए उसी के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया आवाज क्यों नहीं देते राजकुमार बाबू क्या हुआ मैनेजर बाबू जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलवा दीजिए मुझे बहुत बुखार है मैं डॉक्टर हूं कौन धर, तुम तो यही रहना मैं अभी आता हूं जाना नहीं ज़बान दिखाइए जरा ए, ए, कुछ नहीं हुआ है जरा से सर्दी लग गई है दो एस्प्रिन भेज देती हूँ खाके आराम से लेटे रहिएगा बुखार है हाँ, करीब होगा शरीर में बहुत दर्द हो रहा है सब ठीक हो जाएगा अंदर बाहर की सर्दी गर्मी की वजह से आपको ठंड लग गई है एस्प्रिन भिजवा देती हूँ खा लीजिएगा फीस कितनी दू आप आराम से लेटे रहिए फीस की कोई जरूरत नहीं इस कमरे में क्या हुआ क्या मालूम जल्दी आइए एक आदमी का खून हो गया जी हाँ होटल अनुपमा में आइए इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर साहब आप आ गए बहुत अच्छा किया आप ही इस होटल के मैनेजर हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया था जी हाँ लाश सबसे पहले किसने देखी जी मैंने देखी लाश है कहाँ ऊपर कमरा नंबर एक सौ दो में आपका बयान बाद में रजिस्टर करता हूं सबसे पहले लाश देखते हैं आइए डॉक्टर साहब चलिए कहलिए जी आइए डॉक्टर साहब आप जरा लाश का मुआयना कीजिए ये मामला क्या है हमें भी तो पता चले मुझे अभी निकलना है आप कौन है आप कमरा नंबर में, में है डॉक्टर शोभना सेन यात्री हैं देखिए कल रात इस कमरे में खून हो गया है होटल में जितने लोग रह रहे हैं मुझे उनका बयान लेना पड़ेगा और बयान लेने से पहले मैं किसी को होटल से बाहर जाने नहीं दूंगा लेकिन आप निश्चिंत रहिए सबसे पहले आपका बयान लेकर आपको छोड़ दूंगा खून हो गया कब किसने किया खून किसने किया ये तो मालूम नहीं लेकिन अब अपने कमरे में बैठिए हम है, आते हैं आपका बयान लेने अभी अच्छा वह तुम आ गए नीचे जो सिपाही खड़ा है उसको साथ लेकर पहले और दूसरे मंजिले पर जितने भी यात्री हैं उनका नाम और पता नोट करो और उनसे पूछताछ करो कि वो कल रात कहाँ और क्यों थे हाँ और कमरा नंबर 103 और 101 की पूछताछ मैं करूँगा हाँ डॉक्टर क्या पता चला छुरी से वार हुआ है या फिर किसी लंबे पेने जैसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है फेफड़े और हड्डियों में से होकर दिल में घुस गई है यह किसी पेशेवर कातिल का ही काम हो सकता है एक ही वार में मरने वाले की मौत हुई है खून का समय क्या था मैं ठीक से ऑटोपसी के बगैर बता नहीं सकता फिर भी लगभग नौ और बारह के बीच में हुई है तो इनके मुंह पर जो दाग हैं वो कितने पुराने लगते हैं अंदाजन यही कोई दस बारह साल पुराने अच्छा आप ये बता सकते हैं कि उनकी उम्र क्या होगी शक्ल देखने से तो कुछ पता नहीं चलता यही कोई चालीस के लगभग डॉक्टर साहब अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो आप जा सकते हैं मैं लाश आपके पास अस्पताल में भिजवा देता हूं आप उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए लेकिन मुझे रिपोर्ट कल तक चाहिए हाँ राइट सर मैनेजर साहब आप जाकर अपने दफ्तर में बैठिए और नीचे से कांस्टेबल को ऊपर भिजवा दीजिए ऐसा करते वो जो महिला है उनसे भी निपटा ले महिला ऊपर से डॉक्टर <laughs> तो उनका हक पहले बनता है ना चलिए सबसे पहले आपसे ही पूछताछ खत्म करते हैं जी हाँ जितनी जल्दी हो सके मेरा छुटकारा कीजिए मेरे कामों का बहुत हर्जा हो रहा है बस दो चार सवाल और उसके बाद आप काम पर जा सकते हैं पूछिए आपका पूरा नाम डॉक्टर मिसेज शोभना राय उम्र पैंतालीस बरस पति नाम स्वर्गीय राम रतन राय आप डॉक्टर हैं लेकिन आप डॉक्टरी कहाँ करती हैं बहरामपुर आप कलकत्ता क्यों आए मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ औरतों की बीमारियों का इलाज करती हूँ यहाँ के सेवा सदन के साथ मेरा संपर्क है इसी सिलसिले में कभी कभी आती जाती हूँ कलकत्ता में आपका कोई रिश्तेदार है मेरा कोई कहीं नहीं है बाल बच्चे जी नहीं एक लड़की थी जो बहुत पहले गुजर गई कलकत्ता जब आप आती हैं तो यहीं ठहरती हैं हाँ इस बार कलकत्ता कब आई परसों कल रात आपके पास वाले कमरे में राजकुमार बासु नाम के एक सज्जन का खून हो गया आप उनको पहचानती हैं जी नहीं कभी नाम नहीं सुना राजकुमार को आपने कभी देखा नहीं नहीं आसपास रहती है इसलिए मैंने पूछा जी नहीं पहले कभी नहीं देखा वो चेहरा देखती तो जरूर याद रहता आप कल रात आठ बजे कहाँ थी आठ बजे में सेवा सदन अस्पताल से वापस आई हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर नीचे डाइनिंग हॉल में खाना खाने चली गई नौ बजे से पहले ही मैं कमरे में वापस आ गई और फिर कमरे से बाहर नहीं निकली रात को कुछ पता चला आपको सवा नौ बजे में सो गई थी लेकिन रात भर नींद बार बार टूटती रही पास वाले कमरे में आवाज की वजह से पास वाले कमरे से आवाजें लेकिन कैसी आवाजें कमरे में आवाज हो रही थी या नहीं ये तो पता नहीं लेकिन कमरे का दरवाजा बार बार खुल रहा था बंद हो रहा था तब क्या वक्त था घड़ी तो नहीं देखी थी अंदाजन साढ़े नौ दस का समय होगा आपने कुछ किया मैं क्या करती होटल में तरह तरह के लोग आते हैं उन्हें दूसरों की सुख सुविधा की तो चिंता नहीं होती आपको सुबह का पता चला खून हुआ है आप इसे पता चला सुबह सुबह नौकर चाय दे गया फिर तैयार होकर नाश्ता करके बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि साथ वाले कमरे में से दरवाजा खटखटाने और चीखो पुकार की आवाजें सुनाई दी मैंने अपने कमरे से निकलकर देखा तो खान सामा और मैनेजर बाहर खड़े थे मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया फिर मैं 103 नंबर कमरे में चली गई 103 हाँ 103 नंबर कमरे में आप क्यों गई वहाँ एक सज्जन बीमार हैं वो डॉक्टर को बुलवा रहे थे मैं उन्हें देखने चली गई आप उन्हें पहचानती हैं देखा तो था लेकिन कोई जान पहचान नहीं मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती उन्हें हुआ क्या था सर्दी की वजह से मामूली बुखार हुआ था फिलहाल और कुछ नहीं आप काम पर जा सकती हैं। लेकिन हमें बिना बताए आप कलकत्ता छोड़कर नहीं जा सकती सुनो ये सर हेड ऑफिस फोन करो और उनसे कहो कि एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को यहाँ भेजें। ओके सर मकेश बाबू ये औरत काफी तीखे मिजाज की है और निडर भी लगता है पुलिस के तौर तरीकों से काफी वाकिफ है। क्यों नहीं आखिर डॉक्टर जो है आइए देखिए कुछ रुपए मिले हैं कि नहीं सोम। आप क्या कहते हैं ये बारह सौ है मुझे तो लगता है ये आदमी अपने कमरे में आया होगा कपड़े निकाले और लूंगी बनियान पहनकर लेट क्या होगा रात को किसी ने जरूर खटखटाहट की होगी दरवाजे पर ये उठे होंगे बस दरवाजा खुलते ही उसने सीने में छुड़ा दिया होगा ये वहीं के वहीं दरवाजे के पास बस गिर पड़े खूनी कमरे के अंदर नहीं आया ये जो सूटकेस में जो आप कह रहे रुपए मिले वो तो सही सलामत है लेकिन इस डायरी में सुकांत सोम नाम लिखा है जबकि इस कमरे में रहने वाले का नाम राजकुमार बासु है हाँ तो राजकुमार बासु तो क्या असली नाम तो नहीं लगता शायद असली नाम सुकांत सोम होगा देखिए हर पन्ने पे शहर का नाम और कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जैसे पहला है बनारस हरिनाथ कुंडू राम सेवक सिंह दूसरा है कटक सुकांत सुकांत सोम नाम को जाना पहचाना सा लग रहा है आपको मालूम है सुकांत सोम सुना है कभी नहीं मैंने तो नहीं सुना दूसरा है कटक श्रीनाथ पटनायक सुधीर मिश्र, राम किंकर, महापात्र तीसरा है जलपाईगुड़ी हरिदास भट्टाचार्य गन पाइन जसोदा पाल हुँ। हुँ। ये देखिए ये कल ये पन्ना कलकत्ते का है इसमें चार नाम है मोहन लाल कुंडू श्याम कांत लाहिरी जगबंधु पात्र और लतिका चौधरी इनके पते भी लिखे हुए हैं और हर एक नाम के आगे एक रकम लिखी हुई लगता है ये आदमी ज़रूर ब्लैकमेल कर रहा था लोगों को ऐसा जान पड़ता है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद ये इंश्योरेंस का दलाल हो इंश्योरेंस का दलाल है लेकिन कोई इंश्योरेंस के दलाल का खून क्यों करेगा फिर अपना इनाम क्यों बदलेगा तो आपका ये कहना है कि राजकुमार बासु जिन लोगों को ब्लैकमेल करता था उनमें से ही किसी ने उसका खून कर दिया ये तो कहा नहीं जा सकता लेकिन ये जो चार लोग हैं शायद इनसे अगर हम पूछताछ करें तो काफी कुछ पता चल जाएगा हम्म चलिए वो 103 में कौन है उस मेहमान से जरा मिलते हैं आइए आइए रखिए अपने पास आइए। हम्म चलिए एक सौ दो नंबर में जो रहते थे कल रात उनका खून हो गया उनका नाम था राजकुमार बासु क्या अपने पहचानते राजकुमार बासु जी मैं नहीं जानता खून कैसे हुआ किसने किया ये तो नहीं मालूम लेकिन पता चल जाएगा आपका नाम क्या है जी एस सनयाल कहाँ के रहने वाले हैं भागलपुर का मेरी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर ने लेटे रहने के लिए कहा है किस डॉक्टर ने जी लेडी डॉक्टर ने मुझे ठंड लग रही है कहाँ है एस्पिरिन खा के लेटे रहिए अच्छा बताइए लेडी डॉक्टर अच्छी होती है नहीं हाँ हो सकती हैं आपको ठंड कैसी लगी जी कल शाम ढलते मैं टहलने के लिए निकला था बदन पे शॉल नहीं थी बस ठंड लग गई आप रात को बाहर निकले थे नहीं रात में डाइनिंग हॉल से खाना खा के सीधे अपने कमरे में नौ बजे आ गया फिर कहीं नहीं गया आप कलकत्ता कब आए जी तीन दिन हो गए आज ही वापस जाने की बात हो रही थी लेकिन आप कलकत्ता क्यों आए <laughs> मेरा घी का धंधा है गंगू राम को घी सप्लाई करता हूँ मेरा अक्सर कलकत्ता आना होता है अच्छा ठंड लगने से क्या निमोनिया भी हो सकता है हाँ, हो सकता है लेकिन आपको नहीं होगा आपकी तो अच्छी खासी सेहत है आपकी उम्र क्या है चालीस वैसे दिखने में मैं अच्छा खासा दिखता हूँ लेकिन अंदर से कमजोर हूँ जरा सी बात पे बीमार हो जाता हूँ ऐसा क्यों होता है आ, ऐसा होता है कभी कभी लेकिन ये राजकुमार जी मुझे अक्सर भूख लगती है कुछ खाने से बीमारी कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगी ना गरम दूध में डबल रोटी डालकर खाइए। मतलब आप राज कुमार जी को नहीं पहचानते जी कभी नाम भी नहीं सुना सुकांत का नाम तो सुना है। जी क्यों नहीं सुना वो तो मेरा साला था पिछले साल ही गुजर गया बेचारा अपने कल रात कोई आवाज सुनी जी नहीं मैं तो कमरे में आते ही सो गया सोते ही नींद आ गई ठीक है जी कल रात जिसका खून हुआ क्या बंदूक से हुआ नहीं छुरे से हुआ अब आप ऐसा कीजिए लेट जाइए और कलकत्ता छोड़ने से पहले आप पुलिस को इतला जरूर कीजिएगा लेट जाइए आइए भीश जी मेरा नाम हरीश चंद्र होड़ है आपकी उम्र पैंतालीस साल मैनेजर साहब आप इसी होटल में रहते हैं जी हाँ कितने दिनों से जी मैं पिछले आठ सालों से रह रहा हूँ राजकुमार बासु के बारे में आप क्या जानते हैं जी वो पटना से हैं एक मिनट जी हाँ मिस्टर राजकुमार बासु सात बड़ा दस आदमपुर पटना पिछले पांच सालों से वो साल में दो बार आया करते थे बस दो चार दिन ही रुका करते थे होटल से बाहर नहीं जाते थे यहीं से अपने दोस्तों को फोन किया करते थे बस इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता इस बार कब आए जी परसों किसी को टेलीफोन किया था परसों रात को आए थे उस रात तो नहीं किया हाँ कल जरूर किया था राजकुमार बासु जब भी इस होटल में आकर ठहरते थे क्या उसी कमरा नंबर एक सौ दो में ठहरते थे जी नहीं जो भी उस वक्त खाली होता था उसी में ठहर जाते थे राजकुमार बासु काम क्या करते थे सॉरी ये तो मैंने कभी पूछा नहीं और उनके साथ आपका कुछ लेन देन था <laughs> लेन देन तो नहीं था इस बार उन्होंने मेरे पास पांच हजार रुपये जमा करवाए थे पांच हजार इन रुपयों की आपने कोई रसीद दी थी उनको दरअसल वो पैसे एक दो दिन के लिए हिफाजत से रखने के लिए देते थे इसलिए रसीद की कभी जरूरत नहीं पड़ी कल रात जब खून हुआ क्या आप होटल में थे हाँ वो मैं हमेशा होटल में रहता हूँ मेरी पत्नी और बच्चे ढाकुरिया में किराए के मकान में रहते हैं बीच बीच में मैं उनसे मिलने चला जाया करता हूँ कल भी मैं उनसे दो घंटे के लिए मिलने चला गया था जब रात को मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठे तो मैं उनसे मिलने चला गया और फिर ग्यारह बजे के करीब वापस आ गया कल रात जब खून हुआ तब क्या आप होटल में थे हाँ या ना नहीं आपकी गैरहरी में इस होटल का इंचार्ज कौन होता है सरदार खान सामा गुणधर गुई उसे बुलवाइए राजकुमार बासु जिनका खून हुआ है उनके बारे में क्या जानते हो जी वो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता वो कभी कभी यहाँ आते थे दो तीन दिन रुकते थे और फिर चले जाते थे तुम्हारे साथ कभी उनकी बातचीत होती थी जी बहुत कम नहीं के बराबर कभी कुछ खाने पीने को मंगा लेते थे बस और कुछ नहीं उनकी देखभाल कौन करता था जी मैं ही करता था बेड टी ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मैं ही पहुंचा दिया करता था ये पहले मंजिले पर जो रहते हैं उनकी देखभाल मैं ही करता हूं और दूसरे मंजिले पर राजकुमार बासु डाइनिंग रूम में खाना खाने नहीं जाते थे जी नहीं हम्म कल तुमने आखिरी बार उन्हें कब देखा जी पौने नौ बजे मैं उन्हें डिनर देने गया फिर सवा नौ बजे मैं झूठे बर्तन उठाने गया तब वो जिंदा थे बजे वो जिंदा थे जी क्या तुम बता सकते हो कि वो डाइनिंग रूम में खाना खाने क्यों नहीं जाते थे हुँ? वो तो नहीं मालूम हुजूर, लेकिन उनके चेहरे पे कटे कटे दाग थे शक्ल जरा यूं ही सी थी तभी शायद वो लोगों के सामने नहीं आते थे लेकिन लोग उनसे मिलने आते थे जी वो तो आते थे हुजूर। कल कौन कौन आया था ये नहीं मालूम लेकिन जनरल सिंह बता सकता है ये जनरल सिंह कौन है होटल का दरबान है वैसे तो उसका नाम रामप्रीत सिंह है पर सभी उसे जनरल सिंह कहकर पुकारते हैं तो बुलवाइए जनरल सिंह को हम्म तुम वाकई जनरल लगते हो तुम ये होटल के मुख्य दरवाजे पे पहरा देते हो जी सरकार सुबह नौ बजे से बारह बजे तक शाम को पांच से रात दस बजे तक मेरा ड्यूटी रहती है जो कोई आता जाता है क्या तुम तो उसका नाम और पता नोट करते हो जी नहीं सरकार ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है कोई भी अगर अच्छा कपड़ा पहनकर यहाँ आता है तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कोई भी अगर मेहमान का कमरा पूछता है तो मैं वो बताता हूँ यानी तुम किसी को नहीं रोकते अच्छा कपड़ा पहन के जो आता है उसको मैं नहीं रोकता हूँ उसको तुम रोक देते हो आ, उसको मैं बुरी नजर से घूरता हूँ अच्छा एक बात बताओ कल शाम को राजकुमार बासु के कमरा नंबर 102 में उनसे मिलने कोई आया था अच्छे कपड़े में जी आए थे तीन जन आए थे दो मर्द और एक औरत करीब रात सवा नौ बजे आई थी औरत मुझसे कमरे का नंबर पूछकर ऊपर गई और पांच मिनट बाद वापिस चली गई उसकी उम्र कितनी थी पच्चीस तीस की होगी सरकार लंबी गोरी आंखों में चश्मा था ठीक फिर फिर रात साढ़े नौ बजे करीब आया एक मर्द उन्होंने भी मुझसे कमरे का नंबर पूछा ऊपर चले गए और पाँच छ मिनट बाद फिर वापस चले गए दुबला आदमी था और थोड़ी थोड़ी मूछ दाढ़ी भी थी ठीक है फिर उसके बाद दस बजे आया दूसरा आदमी एक मोटा ताजा बंगाली बाबू वो भी पांच मिनट बाद चला गया फिर मेरा ड्यूटी का दरमियान और कोई नहीं आया बहुत अच्छे जनरल सिंह अब तुम जा सकते हो राजकुमार बासु के पांच हजार रुपए आपने कहा रखे तिजोरी में एक काम कीजिए बारह सौ रुपये और रखिए ये मुझे उनके सूटकेस से मिले थे और पूरे रुपयों की रसीद दे दीजिए मुझे आप जी सर मैंने दुमंजिले के सभी लोगों के बयान ले लिए सभी लोगों का कहना है कि डिनर के बाद वो अपने अपने कमरों में चले गए थे और उसके बाद कोई बाहर नहीं निकला बयान सच्चे हैं या नहीं इसकी छानबीन की कैसे करता सर सबके कमरे अलग अलग हैं लेकिन एक सबूत है दो मंजिले की सीढ़ियों के सामने एक नौकर सोता है उसे छलांग कर सीढ़ी उतरना नामुमकिन है मैंने उससे भी जवाब तलब किया था लेकिन उसने कहा कि वो रात 10 या सवा दस बजे सो गया था और उसके बाद कोई सीढ़ी नीचे नहीं उतरा और पहले मंजिले पे पहले मंजिले पे भी यही हाल है सर मैनेजर बाबू जी या आपके होटल में नौकर लोग सीढ़ियों के सामने क्यों सोते जी वो रात को किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो बस यही सोचकर ये यह इंतजाम किया है ओ समझा व्यंकेश बाबू आज का काम फिलहाल यही खत्म समझिए हाँ ये देखिए ये रहे चार नाम जो राजकुमार बासु की डायरी में मिले थे तीन आदमी और एक औरत अब बोले तो इनसे भी लगे हाँ तो मिलने हाँ क्यों नहीं अगर आज ये सब मिल गए मुझे तो लगता है कि आज ही खूनी का पता चल जाएगा ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत खुशी की बात है आ ये देखिए जग बंधु पात्र ये यहाँ से बहुत करीब रहता है चलिए मिल आज आजा दरवाजा खुला है भाभी का नाम जगबंधु पात्र है हाँ क्या बात है कल रात निरुपमा होटल में राजकुमार बासु नाम के एक सज्जन की हत्या हो गई राजकुमार की हत्या हो गई हाँ उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ दो चार सवाल पूछने हैं बैठिए 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 मैं अभी आया आप क्या लेंगे चाय कॉफी नहीं आप उसकी चिंता मत कीजिए अब बैठिए मैं अभी आया बैठिए श बाबू ये तो मिल गया अब दूसरा नंबर है मोहन गुंडू पता है 119 ए पाना लेन क्या हो गया ने? कहां गए हाँ, हाँ। जगबंधु बाबू अरे जगबंधु बाबू लगता गायब हो गए अरे गायब कैसे हो जाएंगे मैं अंदर जाके देखता हूं आओ तुम मेरे साथ जगबंधु बाबू लगता है चिड़िया उड़ गई ये कोस ये रेस कोर्स का मालूम पड़ता है लेकिन भागा क्यों चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर के गुनहार है पुलिस को देखते ही नौ दो ग्यारह हेलो हाँ मैं इंस्पेक्टर दीपक बोल रहा हूँ यहाँ एक पुलिस की टुकड़ी भिजवा दीजिए चौवन राम भादुड़ी उंगलियों के निशान भी जरूर मिलेंगे मैं यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल छोड़े जा रहा हूँ कोश तुम यही रहना और टुकड़ी आने वाली है हाँ ठीक है लगता है ये दागी आसामी है भेमकेश बाबू ये जगबंधु ही राजकुमार बासु का कातिल लगता है इसीलिए भाग गया। कुछ कहा नहीं जा सकता शायद नहीं हाँ राजकुमार बासू की मौत की खबर सुनकर चौंका जरूर था लेकिन चौंकना बनावटी था चलिए मोहनलाल कुंडू तो पत्नी समेत काशी घूमने चला गया उधर श्यामात लाहिड़ी घर पर नहीं है दफ्तर में है दोनों जगह से मायूस हुए हैं देखिए लतिका चौधरी घर पर है या नहीं <laughs> आप परेशान ना हो आपको आने की जरूरत नहीं मुझे बस पुलिस का एक आदमी दे दीजिए नमस्कार नमस्कार वो घर पर नहीं है आपका नाम ही लतिका चौधरी है हाँ? आप ही से काम है बस दो चार सवाल करने बैठिए। आपके पति का नाम क्या है तारा कुमार चौधरी क्या काम करते हैं? इंजीनियर रेलवे इंजीनियर है बाल बच्चे नहीं अच्छा कल रात करीब सवा नौ बजे आप निरुपमा होटल गई थी नहीं नहीं तो मैं तो सिनेमा गई थी लेकिन होटल के दरबार ने आपको देखा वो तो आपको शिनाख्त कर सकता है लेकिन मैं तो सिनेमा देखने गई थी आलिया थिएटर टिकट की कॉपी भी है मेरे पास आपने सिनेमा का टिकट खरीदा जरूर था लेकिन सिनेमा खत्म होने से पहले आप निरुपमा होटल गई थी राजकुमार बासु से मिलने। लेकिन लेकिन राजकुमार बासु मैं मैं तो नहीं पहचानती उसे। सुकांत सोम को तो पहचानती है <laughs> मुझे मालूम है कि राजकुमार बासु सुकांत सोम एक ही इंसान का नाम है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था कल रात को सवा नौ बजे आप सिनेमा से लौटते समय निरुपमा होटल गई उन्हें रुपए देने के लिए आप मुझे सारा किस्सा बताइए आपको कुछ नहीं होगा बताते हूँ ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं आप ही जाने लेकिन ये बात मेरे पति तक ना पहुंच देखिए आप निश्चिंत रहिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो किसी को कुछ नहीं बताएंगे बारह तेरह साल पहले तब मैं अविवाहित थी स्वतंत्र विचार की लड़की थी मैं खुद को बहुत आधुनिक समझती थी अमीर बाप की लड़की थी घर में कोई बंधन या रोक टोक नहीं था मैं अपने साथी सहेलियों के साथ पार्टी पिकनिक सिनेमा थिएटर में रमी रहती थी रोज उन दिनों में फिल्मों में एक हीरो था देखने में जितना वो सुंदर था उतना ही अच्छा उसका अभिनय भी मैं उसके प्रेम में पागल सी हो गई शायद वो उम्र ही ऐसी कुछ थी चौबीसों घंटे मैं उसी का ध्यान करती रहती संगी साथी मुझे समझाती लेकिन मैं तो जिद पकड़ कर बैठ गई कि शादी करूंगी तो सुखान से ही करूंगी उसे मैंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया फिर छुप छुप के मिलने भी लगी और तब पता चला कि सुखान विवाहित थे घर में उसकी पत्नी थी और फिर मेरा प्यार ठंडा पड़ गया मेरे पिताजी को पता चला या पता नहीं कैसे लेकिन उन्होंने मेरी शादी फौरन कर दी मेरे पति ही सज्जन आदमी हैं लेकिन कर्तव्यपरायण जैसे वो खुद जिम्मेदारी निभाते हैं वह चाहते हैं कि हर आदमी कर्तव्यपरायण हो उनके संपर्क में आके मैं धीरे धीरे बदल गई मेरे पति को प्यार से और श्रद्धा से देखने लगी हमारी कोई संतान नहीं है लेकिन हमारा विवाहित जीवन सुखमय है कुछ दिनों बाद अखबार में एक सनसनीखेज खबर छपी सुकांत ने अपनी पत्नी का खून कर दिया था केस अदालत में गया और सुकांत छूट गया इसलिए कि उसने अपनी पत्नी का खून आत्मरक्षा के लिए किया हुआ था पत्नी ने पति पर छोरे से वार किया था उसके मुंह पर भी कई वार किए और सुकांत ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसको मार दिया ऐसे ही तीन चार साल गुजर गए सुकांत का फिल्मिचवन खत्म हो गया था से कटे हुए जख्मी चेहरे को लेकर उसको फिल्मों में कौन काम देता एक दिन यकाय को अपनी घिनौनी शक्ल लेके मुझसे आ मिला उसने कहा कि मुझे पैसे दो ज्यादा नहीं सिर्फ तीन सौ रुपये छ छ महीने बाद ये रकम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो बहुत सारे खर्च तुमने मेरे नाम लिखे थे वो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा तब से छः महीने बाद मैं उसे तीन सौ रुपये देती आई हूँ तीन सौ रुपये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हमेशा डर सा लगा रहता है कि इन्हें कुछ पता ना चल जाए बस इसी वजह से मैं कल निरुपमा होटल गई थी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम आपकी बातों से हमें बहुत कुछ पता चला धन्यवाद अब आपको एक खुशखबरी दे देता हूं कल रात सवा नौ और ग्यारह के बीच में सुकांत सोम उर्फ राजकुमार बासु का खून हो गया अब आपको छह छह महीने बाद रुपए नहीं देने पड़ेंगे आप बैठिए। कम से कम आपको चाय तो बिहा दो नहीं, नहीं थैंक यू चलो चाय पी ही लेते हैं काफी वक्त हो गया श्रीमती जी की आत्म कथा तो सुनी लेकिन खूनी कौन है? इसका कुछ पता चला कुछ पता नहीं चला ये तो कहा नहीं जा सकता आज जितने बयान लिए हैं काफी क्लूज मिले लतिका चौधरी के बयान के मुताबिक सुकांत सोम के बारे में तो जरूर पढ़ना होगा दस बारह साल पुरानी बात है मैं आज ही सेंट्रल लाइब्रेरी जाता हूं। आज का दिन तो गया समझो आप ऐसा कीजिए आज की जो रिपोर्ट है इंस्पेक्टर सरकार को दे दीजिए मैं कल सवेरे पुलिस स्टेशन आता हूँ आ गए आप और कितने दिन तक हमें अटका के रखेंगे आप लोग मेरे जैसी एक डॉक्टर को इस समय यहाँ अटका के रखना कानून के खिलाफ है ये भी मालूम है आपको अगर आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो आप अदालत में जाइए हमें आपसे दो चार सवाल जरूरी और पूछने आपके ये दो चार सवाल कब खत्म होंगे देखिए अब सवाल मैं करूंगा और इतना आपको विश्वास दिला दूं कि आखिरी सवाल होंगे आप कौन हैं? आप हैं व्योम बख्शी इनका नाम आपने जरूर सुना होगा आइए। आइए। डॉक्टर शोभना आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं यह क्या मजाक है <laughs> मजाक नहीं आप बैठिए। बैठिए तो सही बैठिए। ठीक है जो भी कहना है जल्दी कह डालिए मैं आज ही बहरामपुर जाऊंगी <laughs> ये तो बाद की बात है ये कहानी मैंने अखबार में पढ़ी आपको सिर्फ संक्षेप में बताता हूं सुकांत सोम नाम के एक फिल्म अभिनेता थे लगता है पहचानती? आपकी एकमात्र पुत्री शर्मिला का पति सुकांत ने फिल्मों में काफी नाम कमाया था आप तब वर्तमान में डॉक्टरी कर रही थी सुकांत का भी वहां काफी आना जाना था और था तो वो वहीं का लड़का आते जाते आपकी बेटी से उसकी जान पहचान हुई प्रेम हुआ आप सुकांत के खिलाफ थी इसीलिए वो आपकी लड़की को भगा कर ले गया और आपकी लड़की शर्मिला भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी कुछ दिन दोनों एक दूसरे के साथ रहे रहते रहते दोनों को एक दूसरे के मिजाज के बारे में पता चला दोनों बड़े घुसीले थे अक्सर झगड़ते थे लेकिन इस झगड़े की दो वजह थी एक ये कि सुकांत कभी भी शर्मिला को हीरोइन बनाने में खास दिलचस्पी नहीं लेता था और दूसरी यह कि वह दुष्चरित्र था आए दिन लड़कियों के चक्कर में रहता था एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि आपकी बेटी शर्मिला ने छुरा लेकर उसके चेहरे को चीर डाला अपनी जान बचाने के लिए उसने उसका गला दबाया और उसे मार डाला खुद तो घायल हो गया इसलिए तीन महीने उसे अस्पताल में भी बिताने पड़े बात अदालत में पहुंची जज साहब तो उसका चेहरा देखकर खुद ही सहम गए आपने उसके खिलाफ अदालत में गवाही दी लेकिन वो बच गया उसके हाथ में कोई औजार नहीं था औजार तो आपकी बेटी शर्मिला के हाथ में था बस आत्मरक्षा की दुहाई देकर सुकांत बच निकला सब गलत

कटक गया लेकिन उसने किसी से कोई जाति नहीं की छह छह महीने बाद अपनी रकम वसूल करता था अक्सर कलकत्ता आता था जब कभी यहां आता इसी होटल में ठहरता था और आप ही जब कभी यहां आती यहीं ठहरती अब ये तो संयोग की बात है कि एक दिन आपने उसे यकायक यहीं पर देख लिया शायद उसने आपको देखा नहीं अगर देखता तो होशियार हो जाता आपके मन में बदले लेने की इच्छा दस साल से राख बनकर तभी हुई थी बस सुकांत को देखते ही बदले की आग धधक उठी जिसने आपकी लड़की को मारा था उसे आप कैसे छोड़ती फिर उस दिन डिनर के बाद आप अपने कमरे में इंतजार कर रही थी खून कैसे करेंगी यह तो आप पहले से तय कर चुकी थी बस मौके का इंतजार था करीब 9:30 बजे से सुकांत के कमरे में लोग आ जा रहे थे करीब 10:00 बजे यह सिलसिला खत्म हथियार लेकर आप अपने कमरे से बाहर निकले सारे कमरों के दरवाजे बंद थे जो नौकर सीढ़ी के सामने सोता था वो भी नहीं था बस यही मौका था आप सुकांत के कमरे की तरफ के साथ राजकुमार बासु का कोई संबंध था यह बात तो कोई नहीं जानता था इसलिए कोई आप पर शक भी नहीं करता बल्कि जो लोग राजकुमार बासु से उनके कमरे में मिलने गए सारा शक तो उन्हीं पर पड़ता ना <laughs> लेकिन आप दो छोटी छोटी गलतियां कर बैठी एक तो यह कि उस दिन जब इंस्पेक्टर साहब आपसे जिरा कर रहे थे आपने बताया कि राजकुमार बासु को आपने कभी देखा नहीं था जी नहीं पहले कभी नहीं देखा वो चेहरा देखती तो जरूर याद रहता लेकिन राजकुमार बासु का चेहरा देखने लायक नहीं है यह आपको कैसे पता चला दूसरी गलती जब आपसे पूछा गया कि क्या आप 103 नंबर वाले को पहचानती हैं, तो आपने कहा आपने 103 नंबर वाले को देखा होता तो यह जाहिर है कि 102 नंबर वाले को भी देखा होता लेकिन यह बात आप छुपा गई लेकिन यह दो बातें मेरे मन में घर कर गई और जब दस साल पुराने अखबार में सुकांत सोम के केस की कार्रवाई के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि सुकांत सोम की बीवी शर्मिला आप ही की बेटी है तब मेरा शक पक्का हो गया सब गलत है सुकांत ने मेरी बेटी का खून किया था लेकिन मैंने सुकांत का खून नहीं किया और करूंगी भी कैसे मेरे पास क्या कोई छुरा छुरी है जी हाँ है देखिए उस बैग में देखिए नहीं है नहीं है देख लीजिए आप देख लीजिए देख लीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए मुझे। चलिए खून करने का औजार भी मिल गया वरना कुछ परेशानी होती